हेलो एस पेरेंट्स वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो स्वागत है आपका जनरल अवेयरनेस की क्लास में जैसे कि हम पढ़ रहे थे एच पी जी के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल में बहने वाली रिवर्स के बारे में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को हिमाचल में जो है पांच जो है नदियां बहती है ठीक है पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यमुना के बारे में ठीक है फाइव रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रदेश ठीक है हिमाचल में कितनी नदियां बहती है पांच नदियां बहती है ठीक है द ईस्टर्न मोस्ट रिवर इज यमुना विच राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री इन द घरवाल रेंज ऑफ हिमालयास एंड फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश ठीक है तो जो पूर्व में नदी है वो है यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से इन द घरवाल रेंज ऑफ हिमालयस ठीक है और ये अपनी बाउंड्री बनाती है अपनी सीमा बनाती है पूर्व में किसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ आर तोंस पाबर एंड गिरी और गिरी गंगा ठीक है जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है तोंस पाबर गिरी और गिरी गंगा ठीक है द पाबर रिवर्स फ्रॉम चंद्रनाहन लेक ऑन द चांद पीक इन रोहडू एंड द गिरी फ्रॉम कुपर पीक जस्ट अब जुबल टाउन ठीक है जो पाबर नदी है वो कहाँ से निकलती है चंद्र लेक है कहाँ पे चांसिल पीक पे वहां से निकलती है चांसिल पीक कहाँ है रोहडू में ठीक है तो रोहड़ू में जो चांदिल पीक है वहाँ पे जो चंद्रताल लेक है वहां से निकलती है पाबर नदी ठीक है और गिरी नदी निकलती है कुपर पीक जस्ट अबव जुब्बल टाउन ठीक है जुब्बल के ऊपर एक कुपर पीक है ठीक है वहां से निकलती है गिरी नदी नेक्स्ट नदी हमारे पास द सतलुज ठीक है तो दूसरी नदी जो हिमाचल से बहने वाली है वो है सतलुज ठीक है द लार्जेस्ट अमंग द फाइव रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है तो सबसे जो लंबी जो है वो कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश की सतलुज है ठीक है ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स इन द सदर्न स्लोप ऑफ द कैलाश माउंटेन लॉर्ड शिवा अबोर्ड इन पुराने क्लोड ठीक है तो जो सबसे लंबी जो नदी है हिमाचल प्रदेश की वो है सतलुज ठीक है और वो कहाँ से निकलती है इंडियन बॉर्डर से बहुत आगे जाके जो कैलाश माउंटेन है जिसे पुराने टाइम में क्या बोला जाता था शिवाजी का निवास वहां से वो नदी निकलती है फ्लोइंग थ्रू किन्नौर शिमला हिल्स एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू तो एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट भाखड़ा वेयर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ठीक है तो ये कहाँ कहाँ से निकल के किन्नौर शिमला हिल्स और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल के कहाँ पे हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है पंजाब के पास भाखड़ा जगह पे छोड़ती है ठीक है भाखड़ा में जो है पूरे संसार में जितने भी लार्जेस्ट डैम बने हैं उनमें से एक जो है भाखड़ा डैम वो बना है ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डैम अ वेरी बिग लेक नोन एज गोविंद सागर लेक हैज बीन फॉर्मड इन द वैली ऑफ बिलासपुर ठीक है इस डैम के कारण जो है एक बहुत बड़ी लेक बनाई गई है कहाँ पे बिलासपुर में ठीक है जिसे हम जानते हैं गोविंद सागर लेक के नाम से नेक्स्ट है हमारे पास द बीस ठीक है ब्यास भी बोलते हैं इसे हिंदी में द बीस ठीक है द बीस विच फॉर्म्स द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा राइजेस फ्रॉम द 3978 मीटर्स हाई रोहतांग पास ठीक है जो ये ब्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है कुल्लू और कांगड़ा की वैली से होकर जो रोहतांग पास है कितनी ऊंचाई पे है 3978 मीटर की ऊंचाई पे है वहां से ये निकलती है ठीक है इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्ट आर पार्वती स्पिन एंड मलाना नाला एंड इन वेस्ट सोलांग मन्नालसू सुज फोजल एंड सरवारी स्ट्रीम्स ठीक है तो इसकी जो सहायक नदियां हैं पूर्व में वो कौन कौन सी है पार्वती स्पिन एंड मनाला लाला ठीक है और जो पश्चिम में है वो कौन कौन सी है सोलांग मनालसू सुजवैन फोजल या सरवारी स्ट्रीम्स ठीक है जोरा इट एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट ठीक तो ये जो जगह है वो कहाँ पे? पे है कुल्लू पे है ठीक है तो इस जगह के बाद ये कहाँ जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को एंटर करती है ठीक है इट एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड संधोल ठीक है और संधोल जो मंडी में एक जगह है उसके बाद ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है संधोल के बाद ठीक है ड्यूरिंग द मॉनसून इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इट्स इन फ्लो इंक्रीज तो जब बरसात का समय होता है अगस्त में तो इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है

का जो पानी है वो कहां पे डाइवर्ट कर जा, किया जाता है आजकल सतलुज नदी में बहुत बड़ी टनल एक बनाई गई है तो उसके कारण जो है ब्यास का जो पानी होता है वो सतलुज नदी में जो है डाइवर्ट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट रिवर जो हिमाचल में बहती है वो है हमारे पास रावी ठीक है द रावी रिवर राइजेस फ्रॉम एन एमपी थिएटर लाइक बेसिन कॉल बारा बंगाल ब्रांच ऑफ धोलाधार ठीक है तो रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है बारा बंगाल ठीक है धोलाधार रेंजेस जो है उसी का एक पार्ट है बारा बंगाल तो, तो वहां से जो है रावी नदी निकलती है ठीक है इट फर्स्ट फ्लोस वेस्ट

पीर पंजाल रेंज को धोराधार रेंज से सेपरेट कर देती है तो उसके बाद जो है ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है ठीक है देर आफ्टर इट एंटर्स चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड आफ्टर फ्लोइंग फॉर अबाउट वन थर्टी किलोमीटर थ्रू दिस रीजन फाइनली लिवस इट एट खेरी ठीक है उसके बाद जो रावी नदी है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट एंटर करती है ठीक है और कितना किलोमीटर तय करती है वन थर्टी किलोमीटर तय करती है ठीक है एंड फिर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे छोड़ देती है खेरी जगह पे छोड़ देती है ठीक है

ये जो नदियां हैं चंद्र एंड द भागा ये कहा से निकलती है बाललाज पास से निकलती है ठीक है जो कितनी ऊंचाई पे है फोर थाउजेंड एट नाइनटी वन मीटर्स की ऊंचाई पे है और ये जो चंद्र स्ट्रीम है ये कौन सी डायरेक्शन में है दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में ठीक है ठीके? और भागा जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है उत्तर पश्चिम में है ठीक है दिज यू विट यूनाइट एट टाणी टू तो फॉर्म वन रिवर ऑफ ग्रेट साइज एंड वॉल्यूम विच इन इमीडिएटली पैरल टू तो द नॉर्थ ऑफ द मिड हिमालय रेंज अलिटल बियॉन्ड एंटर्स पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो ये जो नदियां है ये पे होती है टांडी जगह पे यूनाइट होती है और बहुत बहुत बड़ी जो है बहुत बड़े साइज की एक रिवर बनाती है ठीक है और भूजिंद के पास ये पांगी वैली जो है चंबा की वहां पे एंटर करती है आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द पांगी वैली इट लीज द डिस्ट्रिक्ट एट संसारी नाला एंड एंटर्स पदार वैली ऑफ कश्मीर एंड द दिंटरलैंड ऑफ किश्तवाड़ ठीक है फिर ये पांगी जो वैली है वहां से फ्लो होकर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट एंटर करती है संसार नाला एंड एंटर्स पदार वैली ऑफ कश्मीर एंड इंटर लैंड ऑफ किश्तवाड़ ठीक है वांगी से फ्लो होकर ये पांगी को वैली को छोड़कर कहाँ एंटर होती है संसारी नाला और पदर वैली ऑफ कश्मीर ठीक है कश्मीर में ये एंटर हो जाती है तो आज हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांच नदियों के बारे में तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग